अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिट्सुबिशी की पीएलसी में टाइमर कैसे यूज़ करते हैं। ये FX1S के टाइमर हैं, ये FX1N के हैं, ये FX2N के, ये 3U के। अभी मेरे पास FX2N सीरीज की पीएलसी है, तो हम FX2N के टाइमर यूज़ करेंगे ये वाले। तो इसका एक फार्मूला होता है टाइमर मालूम करने का, कि हमारा जो टाइमर लगा हुआ ये कितने मिली सेकेंड का है। तो ये फार्मूला, जितनी मिली सेकेंड का टाइमर है डिवाइडेड बाय एक टाइमर में जितने मिली सेकेंड होते हैं, तो वो एक टाइमर में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो हमने 1000 से डिवाइड करना है। 100 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 0.1। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 सेकंड का टाइमर बन जाएगा। ये हमने अभी 100 मिली सेकंड का निकाला था, तो इसी तरह आपने 10 मिली सेकंड का चेक कर लेना, इसी तरह 1 मिली सेकंड का चेक कर लेना टाइमर। तो अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ मिट्सुबिशी। ये जो मैंने 10 लिखा है, ये वाला 10 है, ये जैसे ही हमारा टाइमर लगेगा तो ऐसे एक आउटपुट यूज कर लेते हैं इनका। अभी मैं इसको करूँगा कंपाइल। कंपाइल आप यहाँ से भी कर सकते हैं और F4 से भी कंपाइल कर सकते हैं। ये मेरे थे 100 मिली सेकंड के टाइमर। ये उसका फार्मूला था 100 मिली सेकंड के लिए। ये देखें, अभी मैं दूंगा इनपुट X0, ठीक है।
ये जैसे ही मेरा टाइमर कंप्लीट होगा तो मेरी वॉइस ज़ीरो ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही मैं एक्स ज़ीरो दूंगा, टाइमर अगर मेरा स्टार्ट होगा कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी वॉइस वन ऑन हो जाएगी। ये देखें एक्स ज़ीरो, ये जैसे ही मेरा टाइमर कंप्लीट हुआ मेरी वॉइस ज़ीरो ऑन हो गई। ये देखें ठीक है, ये अभी मैंने किया था 100 मिली सेकंड का टाइमर। अभी मैं यूज़ करता हूँ इससे नीचे है 10 मिली सेकंड का, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। ये अभी 10 मिली सेकंड का टाइमर मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरे थे 100 मिली सेकंड के, ये 10 मिली सेकंड का टाइमर। ये जितने मिली सेकंड का हमारा टाइमर होना है, इसको ब्लैक कर देता हूँ। एक टाइम एक सेकंड में जितने मिली सेकंड होते हैं, हंड्रेड डिवाइडेड बाय 1000, ये 10 मिली सेकंड के लिए मैं लिखूँगा 100, 10 मिली सेकंड के टाइमर के लिए अगर मैंने 1 सेकंड का लगाना है तो ये मेरे 10 मिली सेकंड के टाइमर स्टार्ट होते हैं T200 से। अभी इसको मैं कर देता हूँ T200। ये 200 और इसको मैंने करना था 100। ये देखिए अभी मैं देता हूँ एक्स ज़ीरो, ये मेरा 1 सेकंड का 10 मिली सेकंड का ये टाइमर है और मैंने लगाया टाइम 1 सेकंड। ये देखें ये हमारा है नॉर्मल टाइमर भी। ये जैसे ही मैं एक्स ज़ीरो बंद करता हूँ तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है जितनी भी टाइमर चलता है। अभी मैं यूज़ करता हूँ 1 मिली सेकंड का टाइमर, तो इसमें 1 मिली सेकंड का इसमें 1 मिली सेकंड का ये हमारे लैच है टाइमर T46 से।
1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई एक सेकंड का मेरा हो गया। हमारे जो 1 मिली सेकंड के टाइमर हैं वो हमारा है T46 47 ये 49 तक है 46। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000 246। ये देखिए अभी मैं 1 किलो के पास देता हूँ। ये हमारा है लैच, तो ये मेरी वैल्यू उधर स्टॉप हो गई जहाँ पे भी मैंने इसको स्टॉप की इनपुट, वहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है, अभी इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक मुझे इनपुट लगानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा लैच है टाइमर। ये जैसे ही मैं 1 जीरो दूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। ये देखें 1 सेकंड बाद मेरी आउटपुट Y01 हो जाती है और Y1 ऑफ हो जाती है। ये रीसेट, ये 1 जीरो, ये हमारा हो गया 1 मिली सेकंड का टाइमर। इसमें जो हमारे हैं 100 मिली सेकंड का जो लैच है वो T250 है। T250 से स्टार्ट होते हैं 250, T255 तक जाते हैं। ये 6 हमारे हैं लैच, तो ये हम यूज़ करते हैं अभी लैच कैसे काम करता है। T250 इसके लिए अगर हमने लगाना है फर्ज क्या 5 सेकंड का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे यहाँ 100 मिली सेकंड के टाइमर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा 50 तो ये मेरा हो जाएगा 5 मिली सेकंड का टाइमर। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा 50, T250 ये भी 250, यहाँ पे भी 250। ये देखें अभी मैं 1 जीरो ऑन करता हूँ, तो जैसे ही मैं ये ऑफ करूँगा तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये देखें X1, ठीक है ये देखें ये भी मैंने स्टॉप किया 1 जीरो, तो ये हमारा 10 पे इसकी वैल्यू स्टॉप हो गई।
नीचे मैं लगाता हूँ एक अनलैच भी, ये लैच टाइमर है और अनलैच भी लगाता हूँ। जो अनलैच हमारे यहाँ टाइमर वो है हमारे T0 से स्टार्ट होते हैं इनमें और T199 तक जाते हैं, कोई भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। T100 यूज़ कर लेता हूँ, नीचे T100 यूज़ कर लेता हूँ, ये मैं यूज़ करता हूँ X2 से T10 10 यूज़ कर लेता हूँ। K50 ये भी 5 सेकंड का, T10 ये देखें, इसमें ये वैल्यू हमारी स्टॉप हो गई क्योंकि इनपुट अगर मैंने बंद की तो, क्योंकि वो हमारा लैच था। ये देखें अभी मैं X2 देता हूँ, जैसे टाइमर मैंने बंद किया और अपनी सॉरी इनपुट बंद की तो मेरे टाइमर में वैल्यू 0 हो गई क्योंकि ये अनलैच है। ये देखें ये टाइमर की वैल्यू 0 हो जाती है जैसे ही मैं इसकी इनपुट बंद करता हूँ। ये हमारा अनलैच टाइमर है, ये हमारा लैच टाइमर है, इसकी वैल्यू वहाँ से पे स्टॉप हो जाती है और वहीं से स्टार्ट होगी जैसे ही मैं इसकी इनपुट दूंगा। ये देखें ये देखें, अगर मैं PLC को स्टॉप ही करूं तो ये मेरी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि ये लैच है टाइमर। अभी मैंने PLC स्टॉप किया, अभी रन करता हूं तो वो वैल्यू उसमें सेम ही रही। ये देखें ये अभी इसको रीसेट करता हूँ X1 से, ये जैसे ही मैं अभी X2 देता हूँ, ये जैसे ही इनपुट बंद हो गया इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर आपको इस वीडियो में किस चीज़ की समझ नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।